आज हम एक ऐसे टॉपिक की विशेषता के बारे में जानेंगे जिन्हें सदियों से पवित्र माना जाता था और आज भी पवित्र माना जाता है, जिसमें नहा के दुनिया के हर एक इंसान के पाप धुल जाते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं को ही दूषित कर रहे हैं और दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है उन्हीं के किनारे हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ आप जान चुके होंगे। आज हम जानेंगे भारत की या दुनिया की नदियों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदी या प्रत्यानुवर्ती नदी क्या होती है। यह एक ऐसी नदी का उदाहरण है जिसका निर्माण स्थलखंड या हिमालय के उत्थान से पूर्व हो चुका था। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्व का मतलब है पहले, किसके पहले, यानी कि स्थलखंड के पहले। स्थलखंड के उत्थान के पहले जिन नदियों का निर्माण हो चुका था उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा और अरुण नदी। जैसे आप देखते हैं कि जो सिंधु नदी है तिब्बत में चेमायुंगलू ग्लेशियर है वहीं से निकलती हैं। सिंधु नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत में चेमायुंगलू ग्लेशियर के पास से निकलती हैं, जबकि जो सिंधु नदी है वो भारत में दमचोक से एंटर करते हुए और पाकिस्तान में बहते हुए अरब की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उधर आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। फिर एक आपकी अलकनंदा नदी है, अरुण नदी है, अरुण नदी आपकी कोसी नदी की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि तीन शब्द आते हैं, एक है अपवाह, दूसरा है अपवाह तंत्र और तीसरा है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह का मतलब होता है कि जब जल मार्ग एक निश्चित मार्ग से बहता है, यानी कि जो जल का प्रवाह है एक निश्चित मार्ग से होता है, उसको, उस प्रवाह को, यानी कि जल के प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। वही जो अपवाह तंत्र होता है, अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि जो जल मार्ग है, जल मार्ग का जो एक जाल है, जो जाल बुन जाता है, उस जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि आप इस पहले एक छोटा सा ये डायग्राम दिया हुआ है अपवाह का। अपवाह यानी कि जल एक निश्चित मार्ग से बह रहा है, तो इस अपवाह को हम क्या कहते हैं, जो प्रवाह हो रहा है जल का, इसको हम अपवाह कहते हैं। और जब जल बहुत सारे रास्तों से होकर बहता है, बहुत सारे माध्यमों से होकर बहता है, तो उसको हम अपवाह तंत्र। अपवाह प्रतिरूप का अर्थ है जलधारा की स्थानिक व्यवस्था से है, जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादक इतिहास एवं जलवायु दशाओं के द्वारा निर्धारित होता है। कहने का मतलब है किसी प्रदेश की नदियों की अवस्था, संख्या, प्रवाह दिशा एवं उस प्रदेश की धरातलीय चट्टानों की विशेषता, जलवायु, वनस्पति आदि पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र की नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का होगा। दुनिया में अनेक प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं अरीय प्रतिरूप, अभिकेंद्री, समानांतर, वृक्षाकार, केंद्रात्मक, जालीनुमा, वलयाकार, आयताकार। तो इस तरीके से आपके अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जल एक निश्चित दिशा से बह रहा है तो उसको हम अपवाह कहते हैं, और जब जल का प्रवाह अनेक मार्गों से हो रहा है और मार्गों से होकर उसमें एक जाल सा बुन जाता है तो उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह प्रतिरूप कह सकते हैं जैसे कि किसी पेड़ की जड़ होती हैं, जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ होती हैं उसी प्रकार से जब किसी नदी का प्रवाह होता है तो उसे अपवाह प्रतिरूप प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जब हम नदी पढ़ते हैं तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक है सहायक नदी और दूसरी है आपकी वितरिका, यानी कि एक है ट्रिब्यूटरी और एक है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये देखते हैं कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर क्या है और ये होती क्या है। सहायक नदी का मतलब होता है कि जब कोई मुख्य नदी बह रही है, जब मुख्य नदी बहते हुए उसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और मिलने से मुख्य नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो उसको हम सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी का मतलब होता है मिलना,
जिसमें मुख्य नदी में मिलना और मुख्य नदी में मिलकर उसके जल स्तर को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने इस अपोहा तंत्र के चित्र में भी देखा है कि इसमें एक मुख्य नदी बह रही है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं, जिससे मुख्य नदी का जल क्या स्तर बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सहायक नदी। सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जिससे कि मुख्य नदी में आकर छोटी छोटी नदियों का आकर मिलना, ठीक है। दूसरी है वितरिका। वितरिका को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि जब मुख्य नदी में से कोई एक छोटी नदी अलग हो जाती है तो और पुनः वापस आकर मुख्य नदी में नहीं मिलती है और जिससे मुख्य नदी का जल स्तर कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। वितरिका का मतलब होता है अलग होना और सहायक का मतलब होता है मिलना। किसमें? मुख्य नदी में मिलना। और वितरिका का मतलब होता है कि मुख्य नदी से अलग होना और पुनः आकर द्वारा ना मिलना, तो उसको हम कहते हैं वितरिका। जैसे कि आपकी गंगा नदी में से हुगली नदी अलग हो जाती है, तो हुगली नदी को गंगा नदी की हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम नदी पढ़ेंगे तो दो शब्द और आएंगे, एक आएगा डेल्टा और दूसरा आएगा एस्चुरी, जिसे कहते हैं ज्वार नद मुख। अब हम देखते हैं कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा और एस्चुरी में एक शब्द का अंतर है, वो है ढाल। ढाल के कम होने की वजह से आपका डेल्टा बनता है और ढाल ज्यादा होने की वजह से आपकी एस्चुरी का निर्माण होता है। जैसे मैं पहले सिंपल तरीके से बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं हमेशा क्लास में बच्चों को भी बताती हूँ कि जब नदी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से पहाड़ों से बहते हुए वे मैदानी स्तर में आई, तो वो उसका हुआ ऊपरी स्तर, है ना। फिर है आपके मध्य वाला पार्ट आया, मध्य वाले पार्ट में आके बही, तो उसमें क्या है, जो सेडिमेंट्स लेके आई थी, तो उनको क्या होता है, ढाल कम होने की वजह से सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा सा कम होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे नदी आगे आगे बढ़ती चली जाती है और समुद्र की ओर बढ़ने लगती है, तो ढाल कम होने की वजह से जो उसके सेडिमेंट्स हैं उनका निक्षेपण करने लगती है। जो सेडिमेंट्स यानी कि जब नदी समुद्र में गिरती है और समुद्र में गिरते हुए समुद्र के किनारे जो सेडिमेंट्स का निक्षेप कर देती है, उन्हें कम छोड़ देती है, तो वहां पे एक विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं कहूं, जैसे माना एक कमरे के अंदर मट्टी है। जब कमरे के अंदर मट्टी है तो हमने पानी डाला तो मिट्टी क्या होगी, कमरे के बाहर जाके इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ढाल कम है। जो मिट्टी कमरे के बाहर जाके इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ढाल कम है इसलिए मिट्टी क्या होगी, नीचे इकट्ठी हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। उसी तरीके से एस्चुरी है। एस्चुरी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख का मतलब होता है कि जब नदी का ढाल अधिक होने के कारण, तो वो क्या है, अपने मलबे का निक्षेपण नहीं करती, बल्कि समुद्र में जाके मलबे का निक्षेपण करती है। और जब निक्षेपण करती है, ढाल तेज होता है, तो समुद्र के अंदर एक गड्ढा बन जाता है। जो समुद्र के अंदर गड्ढा बनता है, उसको एस्चुरी कहते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आपकी बारिश आती है, तो बारिश आने से जब छत के ऊपर जो पानी गिरता है और पानी पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे गिरता है, तो क्या है, ढाल ज्यादा है और प्लस जो पाइप क्या हुई, एक वैली हुई, यानी कि घाटी के अंदर से जा रहा है, तो जमीन के नीचे क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है, छोटा सा गड्ढा बनता है। लेकिन जब इसी प्रकार का गड्ढा समुद्र के अंदर बनता है, तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी का मतलब है गड्ढा बनना, जैसे कि पाइप से नीचे पानी गिरा, ठीक है, और कमरे की मिट्टी का बाहर इकट्ठा हुआ, तो वो क्या हो गया, आपका डेल्टा बन गया। तो इसका मतलब है कि जब नदी पहाड़ों से बहते हुए मैदानों भागों में प्रवेश करते हुए समुद्र में जाके गिरती है, तो समुद्र के किनारे अपने मलबे का निक्षेपण कर देती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और एस्चुरी में कहते हैं कि जो ढाल ज्यादा होता है, प्लस नदी आपकी वैली से बहती है, तो समुद्र में एक गड्ढा बना देती है, उस गड्ढे को हम एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि भारत की नर्मदा और तापी नदी वैली घाटी से बहती है, यानी कि रिफ वैली से बहती है, इसलिए क्या
नदियाँ ऐश्वरी का निर्माण करती हैं, जबकि आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टे का निर्माण करती हैं, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि ये जो नदियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है नदियों की, जो हमें बार बार आएंगी, तो हम आगे करेंगे कि सिंधु नदी क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज सब कमेंट बॉक्स